कॉर्पोरेटर सुनीता कौल जी, हमारे चेयरमैन साहब ने भी आना था, हेल्थ एंड सैनिटेशन के कारणवश वो लेट हो गए हैं। कुछ समस्या थी इनकी, नाले की, ग्रेटिंग्स की, सफाई की, कुछ टाइल्स वगैरह की कमी है, इधर ख़राब है, तो हमने इनसे कहा है कि आप एक दो दिन का, चार दिन का हमें टाइम दो, धीरे धीरे करके हम सारे काम को करेंगे और लिख्त में हमें दो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और प्रायोरिटी वाइज हम जैसे जैसे, यहाँ सब्जी मंडी में काम भी करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जिस तरह हो सकेगा, जो नाइट में होगा नाइट में करेंगे, डे वाला डे में करेंगे। हम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पूरे इनके साथ है, जो जो इनको कमियाँ हैं, जो इनकी तकलीफें हैं, वो हम लोग इन लोगों ने हमें चुन के वहाँ भेजा हुआ है, हम इनकी सुनेंगे। बाकी जो मेन हमारा है इस पूरे प्रोजेक्ट को, हम एक नया रूप देना चाहते हैं। इसके ऊपर पहले भी कई बार प्रोजेक्ट बने हैं और फिर हम एक नया प्रोजेक्ट यहाँ बनाना चाहते हैं। जैसे भी ये प्रोजेक्ट बनेगा, इनके साथ मिल बैठ के जिस तरह की इनकी राय होगी, इनको भी साथ रखकर एक आने वाले समय में जिस तरह हमें फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी, 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा आ रहा है, कोई अभी रुक गया है COVID-19 के कारण, या पीछे जब 370-35 ये हटा था यहाँ से, कुछ कमी आई है। जैसे पैसा आएगा, एक बढ़िया सा यहाँ सब्जी मंडी के अंदर एक स्मार्ट एक हम कॉम्प्लेक्स यहाँ बनाएंगे, इन जो भाई बहन जहाँ लॉटी हो गए जहाँ के, उन सबको भी एकोमोडेट करते हुए इनका सुझाव लेकर, ताकि इनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। इस सब्जी मंडी, जो पुरानी सब्जी मंडी है, प्राचीन काल के जहाँ है, राजा महाराजों के समय, मुझे याद है कि जो राजा महाराजों के हाथी आते थे यहाँ ठहरते थे पहले जब हमारे राजे थे, इस मंडी को फिर हम एक हेरिटेज रूप भी देना चाहेंगे। और आने वाले समय में आप देखोगे कि जम्मू शहर का एक एक प्रोजेक्ट्स जम्मू शहर स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है। हमारी सब्जी मंडी भी स्मार्ट होनी चाहिए, जिस तरह जी हमारे भाई बैठे हैं, इस तरह नहीं। मैं चाहूँगा कि एक अच्छे बढ़िया तरीके से इनको हम एडजस्ट करेंगे।